Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. Yep guys, today we're going to see Macbeth Act 5, Scene 5. Okay, we're going to see Act 5, Scene 5 of Macbeth, which is the very important scene, because in the scene you're going to see about the death of Lady Macbeth. Yep, in the scene Lady Macbeth is died in a very suspicious manner. She died, matlab no word is nothing, Shakespeare has nothing told, he has nothing remark in this particular scene that how she died, okay, what is the cause of her death. But yet some of the books says, okay, that she died due to suicide, by attaining suicide, okay, so by suicide she died, okay. So that we are going to see in this Act 5, Scene 5, where we are going to see the death of Lady Macbeth. Okay, so before starting with Act 5, Scene 5, let's quickly revise Act 5, Scene 4. Act 5, Scene 4 mein kya hua tha? Here, jo Scottish armies thi, us, matlab wo ab kahan thi? Dunsinane ke saamne thi. Isn't it? Dunsinane ke bilkul saamne thi. And they all were ready to kill or to murder Macbeth. Okay? Now, here, Act 5, Scene 4 में क्या हुआ था, यहाँ पर सारी आर्मीज आ जाती हैं, मेलकॉम है, सिवॉल्ट है, यंग सिवॉल्ट है, मैकटफ, मेंथियत, कैथरीन, एंगस, लेनोक्स, रॉस और उनके सोल्जर्स, ये सारे लोग जा रहे होते हैं. ओके, नाउ हियर मेलकॉम जो है, मेलकॉम और बाकी लोग जो है मेंथियत वगैरह, ये सब क्या देखते हैं कि उनके सामने जब वो जा रहे होते हैं मैकबेथ से लड़ने, तो उनके सामने क्या आ जाता है, बर्नाम फॉरेस्ट. ओके, बर्नाम फॉरेस्ट उनके सामने आ जाता है. तभी मेलकॉम के दिमाग की बत्ती जलती है और फिर वो क्या कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है बहुत अच्छा, जिससे हम अपने कुछ सोल्जर्स को, नॉट इवन कुछ, काफ़ी सारे सोल्जर्स को छिपा सकते हैं फ्रॉम मैकबेथ. ओके, और वो आइडिया क्या था, मेलकॉम ने कहा था कि सब अपने अपने सामने, हर एक सोल्जर अपने अपने सामने बर्नाम फॉरेस्ट, क्योंकि देखो जो महल है मैकबेथ का, लेट मी टेल यू, इफ दिस इज द कैसल ऑफ मैकबेथ, सपोज ये जो है मैकबेथ का कैसल है, ठीक है, जस्ट सपोज, ओके, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लो आप लोग, ये मैकबेथ का कैसल है. तो मैकबेथ के कैसल के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ, चारों तरफ आपको बहुत घना जंगल देखने को मिलेगा, चारों तरफ मैकबेथ के चारों तरफ बहुत घना जंगल है, ठीक है. बीच में मैकबेथ का ये किला है डनसिनेन में, ओके, डनसिनेन हिल में. तो देखिए यहाँ पर मेलकॉम क्या देता है, मेलकॉम एक आइडिया देता है सबको. मेलकॉम कहता है कि सारे सोल्जर्स एक एक डाली जो है इस बर्नाम पुट की, इस बर्नाम फॉरेस्ट की, सारे लोग एक ही डाली अपने आगे लगा लें और अपने आप को छुपाएं, क्योंकि चारों तरफ जंगल है यार, तो कोई भी आएगा. अगर सपोज ये कोई भी इंसान खड़ा है, ये सपोज ये कोई इंसान खड़ा है, ओके, और अगर इसके सामने हम इस तरीके से डाली लगा देंगे, तो सच बताना क्या ये बता पाएगा कोई यहाँ पर कोई है, नहीं बता पाएगा, इज़न्ट इट. तो दैट्स वाई हियर जो मेलकॉम है वो एक आइडिया देता है कि सारे लोग अपने सामने एक डाली लगा लें, जिससे कि सस्पिशन क्रिएट ना हो और मैकबेथ को लगे कि अरे इनके पास तो कम लोग हैं, ओके, जिससे मैकबेथ तैयार ना हो पाए वॉर के लिए. देखो अगले अटैक के लिए लोग तभी प्रिपेयर होते हैं जब उन्हें उनकी शक्ति, जो अपोजिट मेंबर है उसकी शक्ति के बारे में पता चलता है कि वो कितना ताकतवर बन के आया है. अब सपोज़ दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, अब एक बहुत ताकतवर बन के आया है, तो दूसरा भी कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि वो उसके इक्विवेलेंट ताकतवर हो जाए और फिर उससे लड़ने लगे, है ना. तो इस तरीके से ही यहाँ पर मैकबेथ से छुपाने के लिए अपने आप को, अपने सोल्जर्स को यहाँ पर ये सब किया जा रहा है, ठीक है. देन सारे सोल्जर्स बांध जाते हैं
और फिर से वॉच कहता है कि मैंने ये सुना है कि मैकबेथ जो है अपनी कैसल में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन चुका है, बहुत टायरेंट किंग बन चुका है, इजंट इट। अब उसे मतलब अब हम लोग मैकबेथ के कैसल को कैप्चर कर लेंगे, उसे सीज कर लेंगे, ठीक है, हम लोग सब उसे इधर उधर से चारों तरफ से घेर लेंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जैसे मैकबेथ का कैसल है, अब ये लोग जो हैं वो चारों तरफ से मैकबेथ के कैसल को घेर लेंगे, इससे क्या होगा, मैकबेथ को मारने में, उसे कैप्चर करने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, देन मेलकॉम कहता है कि हाँ यही उसका मेन होप है। ओके, और जब भी लाइक उसे चांस मिलेगा उसके थेन को, तो वो क्या करेगा, अपने सोल्जर्स को, मतलब कहना चाह रहे हैं कि उसके जो सोल्जर्स हैं, जब भी उन सोल्जर्स को अगर चांस मिलेगा, तो उसके मैकबेथ के सोल्जर्स जो हैं वो मैकबेथ का साथ छोड़कर हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो सोल्जर्स हैं मैकबेथ के, वो सिर्फ उसकी डर की वजह से, मैकबेथ फोर्स कर रहा है उन लोगों को उसके साथ काम करने के लिए, मतलब कोई भी उस किसी का भी मन नहीं है मैकबेथ के साथ काम करने के लिए, ठीक है। देन हियर मैकडफ सेज कि जब तक हम कुछ टर्निंग पॉइंट या जब तक हम कोई सोल्यूशन देख ना लेते हैं, जब तक हम कोई आउटकम देख नहीं लेते हैं सिचुएशन का, तब तक हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। अभी हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, अपना हार्ड वर्क, अपना 100% देना चाहिए हमारी युद्ध के लिए, ठीक है। देन आपका सिबॉर्ड जो है वो क्या कहता है कि चलिए जो आगे के डिसीजंस हैं, ओके, जो मतलब कहना चाह रहे हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जब डिसीजन पता चल जाए, जब ये डिसीजन हमें, मतलब ये कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि कौन राजा बनेगा, या तो आज मैकबेथ मारा जाएगा या फिर हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग युद्ध को स्टार्ट करते हैं, हियर आपके जो वॉर है वो पूरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा एक्ट 5 सीन 4 था आपका। नाउ एक्ट 5 सीन 5 में, जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि लेडी मैकबेथ के लिए डॉक्टर देखने आई थी, ओके, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, एक फिजिशियन देखने आए थे, ओके, लेडी मैकबेथ को ना। अब यहाँ पर लेडी मैकबेथ बहुत ग्रेट हेलुसिनेशन में गुजर रही थी, आपने प्रीवियस सीन में, मतलब एक्ट 5 सीन 3 में आपने देखा कि लेडी मैकबेथ बहुत बुरी तरीके से, उसकी मिजरेबल कंडीशन हो चुकी है ना, वो बहुत बुरी तरीके से गुजर रही है अपने इस मेंटल ट्रॉमा से। तो अब जो है एक्ट 5 सीन 5 में क्या आता है, क्या न्यूज़ आती है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का तो नहीं कहा जा रहा है, पर लेडी मैकबेथ मर चुकी है, ओके, लेडी मैकबेथ मर चुकी है। अब सुसाइड का यहाँ पर कोई भी अभी नाम नहीं है, ओके, सुसाइड का अभी यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, पर शेक्सपियर ने, मतलब और बुक्स में यहाँ पर लिखा है, जो अगर आपके पास होगी कोई और बुक, कोई और पब्लिशर, तो उसमें लिखा है भाई सुसाइड, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि सुसाइड से लेडी मैकबेथ मारी गई, इजंट इट, क्योंकि देखो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, पागल सी हो चुकी थी, तो पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, इजंट इट। सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट हर दैट हाउ शी डाइड, ओके, हम इसके बारे में क्लियर नहीं है, एंड इवन शेक्सपियर डोंट, ही डिडंट टेल इन दिस प्ले, इन दिस एंटायर प्ले। सो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, शी डाइड ड्यू टू बाई अटेनिंग सुसाइड, येट वी हैव लॉट ऑफ सस्पिशन अबाउट इट, मतलब हमें शक है, बहुत सारा शक है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट, वी आर येट अनक्लियर अबाउट इट दैट हाउ शी डाइड, ओके। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है, क्योंकि यार देखो एक तरफ तो मैकबेथ इतने बुरे, मैकबेथ भी तो यार ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसकी जो आर्मी है वो सारी कहाँ भाग रही है, मेलकॉम की तरफ भाग रही है, इजंट इट। तो मैकबेथ भी यहाँ पर, एक तो लेडी मैकबेथ मर चुकी है, ऊपर से मेलकॉम की तरफ उसकी आर्मी ज़्यादा झुक रही है, ज़्यादा भाग रही है ना, तो यहाँ पर मैकबेथ का तो बहुत बुरा हाल जो हो चुका है, मैकबेथ इज़ हार्ड ब्रोकन, पूरी तरीके टूट चुका है, ओके। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो क्या कहता है कि लाइफ जो है वो एक ईडियट है ना, यहाँ पे आप जब इसकी स्पीच पढ़ेंगे, सो इट इज़ लाइफ इज़ नथिंग बट अ फ्यूरी, एक गुस्सा है लाइफ, ओके, लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जॉय नहीं है। सो यहाँ पर एक मैसेंजर होता है, जब ये बात हो रही होती है तो आगे चलकर आप देखेंगे एक मैसेंजर आता है, और मैसेंजर क्या कहते हैं कि सर एक बहुत स्ट्रेंज घटना हो रही है। स्ट्रेंज घटना कैसी, जो बेरनाम फॉरेस्ट है वो डनसिनेन हिल पर ऊपर चढ़ रहा है, ओके। आप कभी भी देखिए, एक फॉरेस्ट है, मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है कि
देखिए ये है आपका डनसिनेन हिल, एक हिल है जहाँ पर मैकबेथ का कैसल है, ये मैकबेथ का कैसल है। यहाँ पे आपका हो गया बिरनाम फॉरेस्ट। अब देखिए बिरनाम फॉरेस्ट के जो ट्री जो लाइक पेड़ होते हैं, हम सबको पता है उसका जो लोअर रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होती है, मतलब ऐसा नहीं है वो कभी उल्टा चलेंगे, है ना, इधर तो नहीं जा सकते, वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। तो यही देखो एक फिनोमेना है। बट यहाँ पर जो पेड़ हैं वो कहाँ जा रहे हैं, डनसिनेन पर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो पेड़ नहीं चढ़ रहे हैं, ये लोग कौन हैं, ये लोग सोल्जर्स हैं जो अपने आप को जिन्होंने डिस्गाइज कर लिया है एज अ ट्री। पहले मैंने जो बताई थी ना आपको कि जो लाइक आप कह सकते हैं मेलकॉम है, उसने एक ट्रिक बताई थी कि आप सब लोग क्या करें, एक एक अपने ऊपर झाड़ी लगा लें, है ना, बिरनाम वुड की, तो इससे आप लोग छुप पाएंगे। तो वही सोल्जर्स हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर मैसेंजर को क्या लग रहा है कि यहाँ पर बिरनाम जो फॉरेस्ट है वो ऊपर चढ़ रहा है डनसिनेन पर, बट एक्चुअली में सोल्जर्स जो हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्रूव हो जाती है एपरिशन की एक और क्या, एक और डिमांड, एक और आप कह सकते हैं प्रिडिक्शन, जो उसने प्रिडिक्ट किया था कि जब डनसिनेन वार्निंग दी थी, थर्ड वार्निंग, जब डनसिनेन पर बिरनाम बुर्स चढ़ने लगे तो समझ जाना तुम्हारी मौत बिल्कुल पास आ चुकी है, है ना। उस टाइम पे तो मैकबेथ जो है वो हंस रहा था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी क्या रूट्स ऊपर आ सकती हैं ज़मीन से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इज़न्ट इट, बट नाउ इट इज़ पॉसिबल। चाहे वो कैसे भी हो रहा हो, चाहे लोग हो वो इसके रूप में, है ना, पर हो तो रहा है, इज़न्ट इट। दैट्स व्हाई हियर मैकबेथ चिल्ला देता है सोल्जर्स को ही अपने। ओके, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैंने आपको बता दिया है, अब हम पढ़ते हैं हमारे लाइक सीन की तरफ, एक्ट फाइव सीन फाइव की तरफ। तो देखो मैकबेथ का अंत तो अब पास आ चुका है, मतलब वो मरने वाला है, इज़न्ट इट, बट येट सी हिज ब्रेवरी, अभी तक वो ब्रेवरी, अभी तक वो अपनी ब्रेवरी को दिखा रहा है, अभी तक वो, अभी वो कहेगा कि लाओ मेरा आम, मेरा कवच दो, मैं लड़ने जा रहा हूँ, इज़न्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीन, आगे हम सीन में ही देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सो सीन फाइव इज ऑफ डनसिनेन, ओके, विद इन द कैसल, कैसल के अंदर ही है। एंटर मैकबेथ सेटन, सेटन कौन है, सेटन इज देन अटेंडेंट, ओके, सेटन मैकबेथ का ऑफिसर है, ठीक है, एक जो उसे सारी चीज़ें बताता है, जैसे किंग्स के ऑफिसर्स होते हैं ना, सेनापति वगैरह, तो वही है, ठीक है। सेटन एंड सोल्जर्स विद ड्रम एंड कलर्स, ड्रम एंड कलर्स, कलर्स का मतलब फ्लैग है, ठीक है। नाउ मैकबेथ सेज, हैंग आउट आर बैनर्स ऑन द आउटवर्ल्ड वॉल्स, द क्राई इज स्टिल, दे कम अ कैसल स्ट्रेंथ, विल लाफ अ सीज टू स्कॉर्न। नाउ हियर मैकबेथ जो है वो क्या कहता है कि हमारे जो बैनर्स हैं, बैनर्स का यहाँ पर मतलब है फ्लैग से, ठीक है, हमारे डनसिनेन के, ओके, कहना चाह रहे हैं हमारे डनसिनेन के बैनर्स को कैसल के बाहर लगा दो, ओके, हमारे डनसिनेन के कैसल को बाहर लगा दो। देखो मैकबेथ भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है, मैकबेथ भी अपनी आर्मी को निकाल रहा है, इज़न्ट इट। तो मैकबेथ कह रहा है कि हमारे जो फ्लैग्स हैं डनसिनेन के, उसे बाहर लगा दो, ओके, और दे क्राई स्टिल दे कम आर कैसल्स स्ट्रेंथ, और शाउट करते रहो, दे क्राई स्टिल मतलब चिल्लाते रहो बाहर, जैसे कि हमने हमारे जब युद्ध होता था पहले इंडियन में, है ना, इंडिया में, तो लोग चिल्लाते थे आक्रमण इस तरीके से, इज़न्ट इट, दोनों साइड के लोग क्या करते थे, आक्रमण आक्रमण, ये एक सिग्नल होता है जिससे कि लोगों को पता चल जाए दैट इट इज़ द टाइम फॉर एजोल्ट, ये अटैक का टाइम है, ये एजोल्ट का टाइम है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर मैकबेथ भी क्या कर रहा है कि हमारे जो फ्लैग्स हैं उन्हें कैसल के बाहर लगा दो, और चिल्लाते हुए चलो आक्रमण करते हैं, चलो अटैक करते हैं, ओके, दे कम आर कैसल्स फ्रेंड, मतलब कहना चाह रहा है जो दुश्मन है, दे का मतलब यहाँ पर कौन है, दुश्मन से, ठीक है। सो कहना चाह रहा है दे कम, दे मीन्स एनिमीज, ओके, हमारे दुश्मन जो हैं वो आ रहे हैं, हमारे एनिमीज जो हैं वो आ रहे हैं, आर कैसल्स फ्रेंड विल लाफ अ सीज टू स्कॉर्न,
मतलब ये जो दुश्मन आ रहे हैं इस पे तो जो हमारे कैसल की आर्मी है वो पूर्ण पर्याप्त है, इनफ है, ओके, दैट इज़ इनफ टू डिफाय। टू डिफाय का मतलब है उनके अटैक को टालने के लिए, उनके अटैक को लाइक पीछे करने के लिए हमारी जो आर्मी है, ओके, हमारी आर्मी परफेक्ट है, पूरी इनफ है। ठीक है, कहना चाह रहे हैं दैट हमारे जो बैनर्स हैं, हमारे जो फ्लैग्स हैं, उन्हें हम डंसिनेन पर लगा दो और चिल्लाते रहो। चिल्लाने का मतलब यहाँ पे है आक्रमण बोलते रहो, अटैक बोलते रहो, जिससे कि हमारे जो एनिमीज़ हैं, ओके, उन्हें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। हमारी जो आर्मी है वो एनिमीज, इन दुश्मनों के लिए पर्याप्त है, इनके लिए इनफ है इन्हें हराने के लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर मैकबेथ को क्या लग रहा है, क्योंकि आधे लोग तो देखो अपने आप को डिस्गाइज करे हुए एज अ लाइक ओके एज अ बुश, अपने आप को एक बुश, अपने आप को झाड़ियों के पीछे एक लाइक हाइड किए हुए हैं, तो मैकबेथ को लग रहा है भाई बहुत कम लोग हैं, इजंट इट, दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी हैप्पी, है ना, बहुत खुश है कि अरे आक्रमण करो और इनको दिखा दो कि हमारी जो आर्मीज है वो इनफ है इन्हें हराने के लिए, है ना, मैकबेथ को ये लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, हियर लेट देम लाई टिल फेमाइन एंड द एग एग्यू ईट देम अप, मतलब इन्हें बाहर तब तक मारते रहो, इन्हें बाहर तब तक लाइक लाई का मतलब है मारते रहना, ओके, कहना चाह रहे हैं कि इन्हें तब बाहर तब तक मारते रहो जब तक कि फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है, डिजीज, ओके, फेमाइन एंड सॉरी फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है, भुखमरी, इज़न्ट इट, जो आपका लाइक तो भुखमरी होती है, हंगर होता है, ठीक है, फेमिशनेस, ठीक है, स्टारवेशन, जो स्टारवेशन है उसे यहाँ पे फेमाइन कहा जा रहा है। ठीक है, तो हियर फेमाइन, फेमाइन का मतलब है स्टारविंग, ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं इन्हें बाहर तब तक रखो जब तक ये भुखमरी से मर ना जाए। और एग, एग का मतलब है डिजीज, और डिजीज से मर ना जाए, मतलब जब तक इन्हें डिजीज और हंगर मार ना दे तब तक इन्हें बाहर ही रखो। बाहर रखने का मतलब है तब तक इनसे लड़ते ही रहो, ओके, तब तक इनसे लड़ते रहो जब तक ये वीक ना हो जाए पूरी तरीके से, ओके। अब देखो काफ़ी लोगों के चोट लगेगी, काफ़ी लोग मारे जाएंगे, काफ़ी लोगों को डिजीज़ भी हो सकती है, काफ़ी लोगों को भूख लगेगी जब सुबह शाम लड़ते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हंगर होंगे, मतलब हंगरी होंगे वो लोग, और ड्यू टू ग्रेट हंगर, ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू फैमिश्ड वो मारे जाएंगे, है ना। तो मैकबेथ क्या कह रहे हैं कि इन्हें बाहर तब तक रोके रहो जब तक ये भुखमरी से मारे ना जाए, और तब तक ये मतलब किसी डिजीज से, किसी भी बीमारी से ना मारे जाए, तब तक इन्हें बाहर रखे रहो। वर दे नॉट फोर्स्ड विद दोस दैट शुड बी आवर्स, वी माइट हैव मेट देम डेयरफुल बियर्ड टू बियर्ड एंड बीट देम बैकवर्ड होम, मतलब कहना चाह रहे हैं दैट, कहना चाह रहे हैं दैट अगर हमारे इतने सारे मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो मतलब गद्दार निकले हैं और जिन्होंने मेलकॉम की आर्मी को ज्वाइन कर लिया, अगर वो लोग गद्दार नहीं निकलते, अभी भी हमारा साथ दे रहे होते, तो हम लोग क्या, हम लोग इन सोल्जर्स को इतना मारते और इन्हें कहाँ ले जाते, इन्हें अपने घर पर ही, मतलब कहना चाह रहे हैं कि इनके मतलब आमने सामने, कहते नहीं आमने सामने इनके युद्ध करते, मतलब फेस टू फेस युद्ध करते और इन्हें डिफीट करते ले जाते टू देयर होम। बैकवर्ड होम का मतलब है यहाँ पर टू देयर होम। अब इनका होम क्या है, टू द स्कॉटलैंड, ओके, टू द इंग्लैंड, सॉरी, ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे जो जितने भी सोल्जर्स थे पहले, वो आधे सोल्जर्स, उनमें से आधे सोल्जर्स गद्दार नहीं निकलते, उन्होंने हमारा साथ छोड़कर मेलकॉम का साथ नहीं पकड़ा होता, तो हम लोग इनसे फेस टू फेस लड़ते, आमने सामने हम लोग लड़ते और इन्हें इतना डिफीट करते, इतना मारते, इतना इन्हें हराते कि इन्हें हम मारते मारते कहाँ तक ले जाते, इंग्लैंड तक ले जाते। ठीक है, बैकवर्ड होम का मतलब है इन्हें पीछे की तरफ ले जाते, ओके। सो बियर्ड टू बियर्ड का मतलब है फेस टू फेस, इजंट इट, फेस टू फेस हम लड़ते। देन इसी बीच में जो वुमेन है वो रोती हुई आती है, क्यों रो रही है वुमेन, क्योंकि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जो है वो मर चुकी है,
ओके. देन अ क्राई ऑफ विमेन विद इन, मतलब बहुत सारी जो विमेन हैं वो रो रही हैं. वॉट इज दैट नॉइस, ये कैसा शोर है, ये शोर कैसा है, मैकबेथ कह रहा है कि ये शोर कैसा है. देन सेटन सेज इट इज द क्राई ऑफ विमेन माई गुड लॉर्ड, ये और मतलब विमेन, ये जो औरतें हैं उनका लाइक शोर है, ये औरतें रो रही हैं. ओके, अब मैक जो सेटन है वो चला जाता है देखने के क्या हुआ है, ओके विमेन रो क्यों रही हैं. देन मैकबेथ सेज दैट आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स, द टाइम हैज बीन माई सेंसेस बट हैव कूल्ड टू हियर अ नाइट श्रिंक एंड माई फेल ऑफ हेयर बट एट अ डिसमल ट्रस्टीज राउज एंड स्टर एज लाइफ वर इन इट. मतलब मैकबेथ यहाँ पे कहना चाह रहा है दैट एक वो टाइम था जब मैं मतलब बहुत डरता था, एक स्क्रीन एक चिल मतलब कोई चिल्लाता भी था तब तक मुझे डर लगता था. एक वो टाइम आ चुका था, कहना चाह रहा है आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स, मतलब मैं बिल्कुल डर का टेस्ट भूल चुका हूँ, कैसा डर होता है मुझे याद ही नहीं है. एक टाइम वो था जब मैं एक छोटी सी चिल्लाहट से मतलब कोई थोड़ा सा भी चिल्लाता था तब मैं डर जाता था. ये कहाँ की बात हो रही है, जब डंकन का उसने मर्डर किया था और जब वो बहुत सारे आउल जब चीखते थे जिंडे, तब वो कहता था कि ये जो स्क्रीम है क्रिकेट्स की स्क्रीम है, ये जो श्रिंक है आउल्स की, ये मुझे डराती है जिंडे. तो यही मैकबेथ कह रहा है कि एक वो टाइम था जब मैं थोड़े से भी आवाज़ से रात में थोड़े से भी आवाज़ से डर जाता था. ओके, द टाइम हैज़ बीन माई सेंसेज वुड हैव कूल्ड टू हेयर एट नाइट श्रिंक एंड फेल ऑफ हेयर, और थोड़ी सी आवाज़ से ही मेरी गूज बम्स आ जाती थी. ओके, मतलब मेरी जो स्किन के हेयर हैं वो खड़े हो जाते थे, मुझे गूज बम्स आ जाते थे. ओके, टू हेयर अ नाइट श्रिंक एंड माई फेल ऑफ हेयर, फेल ऑफ हेयर वुड एट डिसमल ट्रस्टीज राउज, मतलब मेरे जो बॉडी के हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते थे एकदम से, मुझे गूज बम्स आ जाती थी. गूज बम्स कहते हैं हम लोग रोंगटों को, ठीक है, रोंगटे जो होते हैं. तो कहना चाह रहा है आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स, मतलब मैं तो डर का टेस्ट ही भूल चुका हूँ, डर कैसा होता है मुझे नहीं याद. ओके, एक समय वो था जब मुझे थोड़े से भी कोई चिल्लाता था, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्क्रीम, थोड़ी सी कोई चिल्लाता था तो मैं उससे डर जाता था, एक समय वो था. ओके, रात में अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी चिल्लाने की तो मैं डर जाता था, मेरे जो बॉडी के हेयर हैं वो खड़े हो जाते थे, इरेक्ट हो जाते थे. ओके, मुझे गूज बम्स आ जाते थे, मतलब ओके, जब भी मैं किसी गोस्ट के बारे में सुनता था, ओके, जब भी मैं किसी गोस्ट की स्टोरी को सुनता था तब मेरे जो हैं गूज बम्स आ जाते थे. राइट, कौन यहाँ पे गोस्ट किसे कह रहा है, यहाँ पे गोस्ट बैंक्यो से कह रहा है, ठीक है. जैसे बैंक्यो का मर्डर हुआ था तो उसने जब गोस्ट को देखा था, बैंक्यो के गोस्ट को, तो वो जब डरा था उस टाइम की बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है. सो एज लाइफ वर इट इन इट आई हैव सफ्ड फुल विद हॉरर्स ड्राइनेस familiar to my slaughterous thoughts cannot burn start me. मतलब अब मैं तो अब कहना चाह रहा I have supped full with horrors, मतलब अब तो मैं true horrors के साथ सफ़र करता हूँ, सफ़र मतलब उनके साथ खाना आता हूँ. इज़न्ट कहना चाह रहा है अब तो मेरे चारों तरफ इधर उधर सिर्फ क्या रहता है, horror images रहती हैं. अब जैसे कि बिचेस हो गई, अब तो यार बिचेस से ये मिल चुका है इज़न्ट, तो कहना चाह रहा है कि मैं तो अब बिचेस के साथ ही रहता हूँ, हॉरर चीज़ों के साथ ही रहता हूँ, अब तो मैं उनके साथ खाना खाता हूँ बैठ कर. ओके, वो तो मेरी एक फैमिली की तरह हो चुकी, मतलब मैं फेमिलियर हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों से, इज़न्ट इट. डायनेस फेमिलियर्स टू माई स्ट्रक्चरल थॉट मीन्स द थॉट्स ऑफ मर्डर, मतलब जितने ही मैंने मर्डर किए हैं और जितने भी मैंने लाइक हॉरिफाइड चीज़ें करी हैं, मैं तो अब उनसे बिल्कुल फेमिलियर हो चुका हूँ, अब वो मुझे नहीं डराती. ओके, दे कैन नॉट वन स्टार्ट मी, मतलब दे कैन नॉट फियर मी, वो मुझे नहीं डरा सकती. ओके, सो मैकबेथ कह रहा है कि मैं तो अब डर का टेस्ट ही भूल गया हूँ, डर होता कैसे है. ओके, मुझे नहीं याद.
ओके। एक वो समय था जब मेरे सेंसेस जो थे थोड़ी सी भी अगर कुछ चिल्लाता था तब मैं बिल्कुल मेरे हार्ट अटैक गूज बम्स आ जाते थे, ओके, मेरी स्किन इरेक्ट हो जाती थी। और जब भी मैं किसी गोस्ट के बारे में सुनता था, गोस्ट की स्टोरी के बारे में सुनता था, तब मैं डर जाता था, इजंट इट। बट नाउ अब तो मैं जो लाइक डर जो ये डरावनी चीज़ें हैं इनके साथ सफ़र करता हूँ, इनके साथ खाना खाता हूँ, ओके, इनका मैं इनसे मैं बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो चुका हूँ, फैमिलियर मतलब परिचित हो चुका हूँ, इजंट इट। अब ये जो ब्लडी थॉट्स हैं ये मुझे नहीं डरा सकते, ओके, दे कैन नॉट वन स्टार्ट मी, मीन्स द स्लचरस थॉट्स, दिस ब्लडी थॉट्स कैन नॉट, स्लचरस का मतलब है ब्लडी, ओके, द ब्लडी थॉट्स कैन नॉट वन स्टार्ट मी, स्टार्ट मीन्स फियर मी, ओके, मुझे नहीं डरा सकते। नाउ अब दोबारा एंटर करता है सेटिन, सेटिन अभी गया था, क्यों मैकबेथ ने भेजा था, देखो ये चिल्ला मतलब कौन चिल्ला रहा है, ओके, कौन चिल्ला रहा है देखो। अब सेटिन दोबारा एंटर मतलब दोबारा आता है बताने के लिए कि किसकी आवाज़ थी। देन सेटिन देन मैकबेथ सेज वेयर फॉर वॉज द क्राई, मतलब ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ओके, चिल्लाने की आवाज़ क्या कहाँ से आ रही थी, क्या हुआ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस क्राई, दिस स्क्रीम, ओके। देन सेटिन सेज द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, ओके। नाउ सेटिन क्या कह रहा है कि सर जो क्वीन है लेडी मैकबेथ वो डेड हो चुकी, मतलब शी हैज़ डाइड, मर चुकी, ओके, शी इज़ नो मोर। देन मैकबेथ, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है मैकबेथ की, जिसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। देन ही सेड शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर। नाउ ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है, मैकबेथ क्या कहना चाह रहा है कि शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, मतलब मैं कहना चाह रहा है कि लेडी मैकबेथ बाद में मर जाती, मतलब ये कह रहा है दैट शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर का मतलब है लेटर, ओके, मतलब कहना चाह रहा है कि लेडी मैकबेथ को अगर मरना ही था तो वो बाद में मर जाती। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह रहा है, ओके, क्योंकि मैकबेथ बहुत बिजी है, अभी देखो युद्ध चल रहा है ना, अभी वॉर चल रही है, इजंट इट, अभी इंग्लैंड से वॉर चल रही है मैकबेथ की, तो मैकबेथ इतना बिजी है कि वो सही से लेडी मैकबेथ को मतलब लाइक सही से उसे पीसफुली लाइक रो भी नहीं सकता मैकबेथ लेडी मैकबेथ के लिए, है ना, लेडी मैकबेथ के लिए वो रो भी नहीं सकता, उसे इतना भी टाइम नहीं है कि वो थोड़ा सा रो भी ले, है ना, तो इसलिए मैकबेथ यहाँ पे कह रहा है कि अभी क्यों मरी लेडी मैकबेथ, बाद में मर जाती, ओके, शी शुड डाई लेटर, क्यों, जिससे कि वो शांति से आराम से रो सके उसके लिए, ओके, जिससे वो आराम से शांति से रो सके। नाउ ही इज़ क्वाइट काम, आप देख सकते हैं कितना काम दी ही सिंग, अरे अभी क्यों मरी, बाद में मर जाती, इज़न्ट इट, क्यों है ये इतना काम, बिकॉज ही इज़ लीस्ट बॉदर ऑफ हर वाइफ ऑफ हर स्पाउस, बट ही जस्ट नीड विक्ट्री, वो सिर्फ क्या चाहता है, जीत चाहता है, ओके, जीत जाए जिससे कि इंग्लैंड, जिससे कि ये डनसी ने ये सारे उसके कैप्चर में आ जाए, सारे उसके कब्जे में आ जाए, इसलिए वो अभी लीस्ट बॉदर है, ठीक है, लेडी मैकबेथ के लिए भी, लेडी मैकबेथ मरी या जिए कुछ भी हो। देर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ल्ड, टमोरो एंड टमोरो एंड टमोरो क्रीप्स इन दिस पिटी पेस फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्ड टाइम एंड ऑल आर यस्टरडेज हैव लाइट इन फूल्स द वे टू जस्टी डैक्ट। नाउ हियर मैकबेथ सेज दैट, मतलब थोड़ी देर न्यूज़ जो है वो रुक जाती, न्यूज़ थोड़ी देर बाद आती, मतलब लेडी मैकबेथ की जो मरने की न्यूज़ है काश वो थोड़ी दिन बाद आती, थोड़ी देर बाद आती, जिससे कि मैं इस वॉर को ख़त्म करके उससे आराम से उसे मतलब उसके जो लास्ट राइड होती है या रिचुअल्स जितने भी हैं वो अच्छे से उसे कर पाता, उसे पीसफुली भेज पाता। ये जो न्यूज़ है वो अभी क्यों आ गई, द दे वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ल्ड, मतलब काश इस न्यूज़ के लिए कुछ टाइम होता, कुछ देर बाद ये न्यूज़ आती मेरे पास, ओके, टमोरो एंड टमोरो एंड टमोरो, मतलब कल आती या कल आती या कल आती, मतलब कहना चाह रहा है कि अभी ये न्यूज़ क्यों आई है, ये कल आती न्यूज़, ये कल आती,
परसों आती, उसके बाद आती, मतलब ये न्यूज़ कभी आती ही नहीं। कहना चाह रहा है कि जब तक ये वॉर जो है, जब तक ये युद्ध जो चल रहा है ये ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये लेडी मैकबेथ के मरने की न्यूज़ आती ही नहीं। ओके, क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम। मतलब जो ये तो दिन है, ओके, क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस, काश ये जो दिन है ये बहुत हल्के हल्के, क्रीप, क्रीप का मतलब होता है चलना, मूव करना। ओके, तो कहना चाह रहे हैं काश ये जो दिन है लेडी मैकबेथ के एक बहुत दिनों बाद आते, काश ये हल्के 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 चलते। ओके, जिसकी मैं अपने वॉर को अच्छे से ख़त्म कर कर फिर लेडी मैकबेथ के साथ कुछ वक्त बिताकर फिर से आए वो मर जाती, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ओके, क्योंकि अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेडी मैकबेथ के जो रिचुअल्स हैं बाद में वो करने का, तो इसलिए मैकबेथ कह रहा है कि काश ये जो टाइम है ये बहुत हल्के 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 आता। ओके, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जब तक ये जो एटर्निटी है, जब तक इस वर्ल्ड में एटर्निटी है तब तक ये टाइम रहता और फिर उसके बाद आ जाता ये टाइम। कौन सा टाइम कह रहे हैं? लेडी मैकबेथ के डेथ का। ठीक है, एंड ऑल आर योर स्टडीज हैव लाइटेड फूल्स द वे टू डस्की डेड्स। और जितने भी हमने काम किए थे पास्ट में, जितने भी हमने बुरे काम किए, बुरे काम मैंने आपको सीरीज बता दी है कितने बुरे काम किए थे उसने, डंकन का मर्डर हो गया, बैंकरों का मर्डर हो गया, ओके, सोल्जर्स का मर्डर हो गया और ना जाने कितने लोगों का मर्डर हो गया, जितने भी उसने बुरे काम किए हैं। ठीक है, उस बुरे कामों का कहना चाह रहे हैं, जितने भी उसने जो बुरे काम उसने पास्ट में किए हैं, राइट, तो वो मैंने बेकार ही किए। क्यों? क्योंकि लेडी मैकबेथ तो अब नहीं रही, अब ये सब काम करने के किसने इंसिस्ट किया था? लेडी मैकबेथ ने इंसिस्ट किया था, मतलब उसे फोर्स किया था मैकबेथ को, है ना। तो मैकबेथ कहता है कि ये जितने भी काम मैंने किए थे पास्ट में मैंने बेकार किया, आई वॉज अ फूल जिसने मैंने ये सारे काम किए, है ना, इतना डिस्ट्रक्शन किया, अगर मैं ये सब करता ही नहीं तो आज ना ये युद्ध हो रहा होता ना लेडी मैकबेथ मारी जाती। ओके, अब ये जो मैंने काम किए हैं ये मैंने बेफालतू में किए हैं, दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ लेडी मैकबेथ तो रही ही नहीं। ओके, देन ही सेड द वे टू डस्की डेथ, द वे टू डस्की डेथ का मतलब है, मतलब उसकी जो डेथ है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ की डेथ है, ओके, उसके लिए मैंने ये सारे काम किए, देयर इज नो, आई वाज अ लाइटेड फूल। लाइटेड फूल का मतलब है मैं एक ऐसा फूल था, ओके, जिसने हर चीज़ उसे मिली भी, थेन ऑफ काउडर कम टाइटल मिला, किंग भी बना वो, हर चीज़ उसे मिली पर फिर भी अंत में उसे क्या मिला? फूलनेस, क्योंकि लेडी मैकबेथ मारी गई। ओके, सो कहना चाह रहा है आई वॉज द लाइटेड फूल। देन आउट आउट, देन ही सेड आउट आउट ब्रीफ कैंडिड लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर that struts and frets his art upon the stage and then his heart no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. अब देखो मैकबेथ यहाँ पे लाइफ को अब्यूज़ करता है, वो कहता है कि लाइफ इज नथिंग, इट इज़ जस्ट एन idiot थिंग विच हैज़ बीन टोल्ड बाई अ पर्सन। ओके, एक idiot टेल है, लाइक बेवकूफ कहानी है जो किसी आदमी के द्वारा बताई गई है, है ना। तो देखो क्या कहता है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, कैंडल यहाँ पे कौन है? लाइफ से कह रहे हैं, मतलब यहाँ से चली जाओ तुम छोटी लाइफ, ब्रीफ कैंडल। ओके, आउट आउट यू ब्रीफ कैंडल, कैंडल का मतलब है यहाँ पे लाइफ से। ओके, अरे रुको, कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यू ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है छोटा। ओके, छोटी लाइफ, है ना, लाइफ क्योंकि बहुत छोटी है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे मैकबेथ कहता है कि गो फ्रॉम हियर योर ब्रीफ लाइफ, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। लाइफ इज नथिंग बट एन इल्यूजन, लाइफ क्या है? एक इल्यूजन है। ओके, एक ऐसा एक्टर है, एक ऐसा मतलब पिटीफुल जिस पर दया करी जा सकती है, एक ऐसा एक्टर है जिसने लाइक जो कि बहुत प्राउडली एक प्ले स्टेज पर चल रहा है, मतलब वो चल तो बहुत प्राउडली रहा है अपने प्ले स्टेज पर,
जिस पर वो नाटक करता है वो अपने स्टेज पे चल तो बहुत प्राउडली जाए, बट येट ही इज़ वेरी लाइक पिटीफुल, बहुत उस पर दया आ रही है उस एक्टर पर. ओके देन ही सेड एंड देन इज हर्ट नो मोर, और इसलिए डिस लाइक वो जो एक्टर है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है. मतलब कहना चाह रहा है कि वो एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल भी रहा है अपने प्ले स्टेज पर, बहुत प्राउडली चल रहा है, बट फिर जो चलते चलते वो डिसअपीयर हो जाता है. यहाँ पे लेडी मैकबेथ के लिए यूज़ किया गया है कि लाइफ ऐसी है जैसे कि एक प्ले स्टेज पर कोई प्ले एक्टर कर रहा हो, चल रहा हो वो प्ले स्टेज पर, और चलते चलते अचानक से गायब हो जाए. मतलब कहना चाह रहा है लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब लाइफ हमारे हाथों से छिन जाए, इज़न्ट इट. तो ये मैकबेथ यहाँ से कह रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड देन इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. नाउ जो मैकबेथ है वो क्या कहता है कि लाइफ जो है एक टेल की तरह, टेल यहाँ पे क्या है, टेल मीन्स स्टोरी. ओके लाइफ इज नथिंग बट फुल ऑफ टेल, इट इज अ टेल, टेल मीन्स ए स्टोरी. ओके एक कहानी की तरह है लाइफ, टोल्ड बाय इडियट, जो कि एक इडियट, जो कि एक बेवकूफ, एक नॉनसेंस, न्यूसेंस लोग इंसान ने बता दी है. मतलब एक जो न्यूसेंस इंसान ने जिस चीज़ को बताया वही एक लाइफ है. एक इडियट इंसान ने जिस चीज़ को बताया है, जिस स्टोरी को बताया है, दैट इज नथिंग बट अ लाइफ, जो कि किससे है, दिस इज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. मतलब जो लाइफ है वो फुल ऑफ साउंड, साउंड का मतलब है यहाँ पे नॉइस से, फुल ऑफ नॉइस, मतलब हमेशा लड़ना झगड़ना, हमेशा गुस्सा करना. फ्यूरी का मतलब है गुस्सा. ओके तो कहना चाह रहा है कि लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ एक इडियट की बताई हुई वो स्टोरी है जो कि पूरी गुस्से से भरी हुई है, पूरे लड़ाई झगड़े से भरी हुई है, पूरा मतलब डिस्टर्बेंस से भरी हुई है. ओके एंड सिग्निफाइंग नथिंग, जो कि कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं देती, मतलब जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, दैट इज़ मीनिंगलेस. ओके एक मीनिंगलेस लाइफ है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, बस क्या है उसमें, दो ही चीज़ें हैं, द वन इज फ्यूरी मतलब गुस्सा, एंड नेक्स्ट इज साउंड दैट इज नॉइज, डिस्प्यूट्स एंड रिवोल्ट्स, इज़न्ट इट. तो यही मैकबेथ कहता है, द लाइफ इज नथिंग, इट सिग्निफाइंग नथिंग बट इट इज़ अ साउंड एंड फ्यूरी. ओके साउंड मीन्स आप कह सकते हैं डिस्प्यूट्स, जो ओके लड़ाइयाँ होती हैं, एंड फ्यूरी मीन्स एंगर. ओके चूँकि एंगर और डिस्प्यूट से भरी हुई है. देन इतने ही बीच में मैसेंजर जो है वो एंटर करता है, हियर एंटर अ मैसेंजर एंड मैकबेथ सेज दाउ कमेंस्ट टू यूज दाय टंग दाय स्टोरी क्विकली. मतलब तुम मुझे कुछ बताने आए हो तो जल्दी बताओ क्या बताना चाहते हो. ओके कहना चाह रहे हैं तुम जल्दी बताओ क्या बताना चाहते हो मुझे. And messenger says, "Gracious my lord, I should report that which I say I saw, but know not how to do it." मतलब my lord, my gracious Macbeth, मैं आपको ये बताना, मतलब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पर पता नहीं मैं कैसे बताऊँ आपको. मतलब I don't know मैं कैसे बोलूँ आपसे, जो मैंने देखा है उसे मैं आपको कैसे अपने लफ्ज़ों में बयां करूँ, मुझे नहीं पता. Isn't it? Then Macbeth says, "Well, say, sir." Okay, sir, जल्दी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं. ओके यहाँ पे sir क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो वो कुछ बहुत important बताने वाला है ना. अब वो बता नहीं रहा है, messenger जो है वो थोड़ा hesitate हो रहा है बताने में. That's why he is pleasing. Macbeth जो है वो please कर रहा है उससे, sir. ओके sir word इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है. तो Macbeth कहता है कि जल्दी बताइए सर आप क्या कहना चाहते हैं. Then messenger says, "As I did stand my watch upon the hill, I looked towards Birnam and Annan. Methought the wood began to move." Now messenger जो है वो क्या कहता है कि जैसे ही As I did stand my watch upon the hill, मतलब जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए हिल पर खड़ा हुआ, हिल क्या है, बिरनाम, जैसे ही मैं अपनी गार्ड की ड्यूटी, मतलब जो गार्ड है बेसिकली एक गार्ड है ओके मैसेंजर, तो जैसे ही मैं अपनी गार्ड की ड्यूटी मतलब करने के लिए बिरनाम बुट सॉरी दमसिले बुट पर
डनसनेन हिल पर खड़ा हुआ। वैसे ही मैंने देखा कि जो बिरनाम फॉरेस्ट है, जो बिरनाम की लाइक फॉरेस्ट है वो चल रही है, ओके। फॉरेस्ट जो है वो हमारी डनसनेन हिल की तरफ आगे बढ़ी जा रही है, ओके। कहना चाह रहे हैं कि एज आई डिड स्टैंड ऑन माई वॉच अपॉन द हिल, जैसे ही मैंने डनसनेन हिल पर देखा, ओके, आई लुक्ड टुवर्ड्स बिरनाम एंड एनन, और फिर मैंने देखा कि जो बिरनाम वुड है, दैट इज एनन, एनन का मतलब दैट आर कमिंग, ओके, वो आ रही है। मी थॉट द वुड बिगेन टू मूव, मुझे लगा कि जो वुड है बिरनाम की वो डनसनेन पर बढ़ती चली जा रही है, ओके। मतलब उसने देख लिया था कि जो बिरनाम वुड है, जो बिरनाम फॉरेस्ट है, वो कहाँ आ रहा है, डनसनेन हिल पर आ रहा है। अब ये बिरनाम फॉरेस्ट वाले लोग कौन हैं? दीज आर द सोल्जर्स ऑफ मेलकॉन, जो अपने आप को डिस्काइज किए हुए हैं एज अ ट्री, इजंट इट, एज अ बुश। सो यहाँ पर जो विच है, उसकी जो एपरिजन है, उसकी थर्ड एपरिजन, थर्ड वार्निंग भी फुलफिल हो रही है। देखो, हो रही है ना, इजंट इट, देखो डनसनेन पर आ रहा है, डनसनेन पर बिरनाम वुड्स आ रही हैं, वो कैसे भी आए, चाहे लोग लेकर आए, उसे आ तो रही है, इजंट इट। तो देखो थर्ड वार्निंग यहाँ पर फुलफिल हो रही है बाय द मैसेज, बाय द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। देन मैकबेथ सेज लायर एंड स्लेव, मतलब यहाँ से चले जाओ तुम गद्दार और झूठे, यहाँ से चले जाओ तुम गद्दार हो, यू आर द विलेन, यू आर द ट्रेटर, ओके। देन मैसेंजर सेज लेट मी एंड्योर योर ब्रेथ, इफ इट बी नॉट सो विद इन दिस 3 माइल मे यू सी इट कमिंग, आई से अ मूविंग क्रो। ना जो मैसेंजर है वो क्या कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं मुझे एक्सेप्ट होगी, मतलब आप कोई भी मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, ओके। आप देख सकते हैं कि जो बिरनाम है, ओके, जो बिरनाम की बुट्स हैं वो आ रही हैं, ओके, 3 miles away, फ्रॉम 3 miles away दे आर कमिंग, दे आर मूविंग टुवर्ड्स आर लाइक डनसनेन। मैंने उन लाइक चलते हुए फॉरेस्ट को मैंने देखा है 3 miles away से, मतलब 3 miles दूर से मैंने देखा है कि वहाँ से जो बुट्स हैं वो चलती हुई आ रही हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेट मी एंड्योर योर ब्रेथ, मतलब कहने चाहे कि आपका जो एंगर है, ब्रेथ का मतलब यहाँ पे, ब्रेथ का मतलब है एंगर से, ठीक है। तो मुझे एक्सेप्ट होगा आपका एंगर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर ये सब नहीं हो रहा हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो मुझे सजा देंगे वो मुझे एक्सेप्टेबल होगी, ओके। आप देख सकते हैं कि 3 miles दूर से जो फॉरेस्ट है वो मूव कर रहा है, ओके। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि 3 miles दूर से जो फॉरेस्ट है बिरनाम वो हमारी डनसनेन की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ओके। देन मैकबेथ सेज, अब मैकबेथ की देखो स्पीच ये है, पूरी बहुत बड़ी स्पीच है, एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। मैकबेथ सेज इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स अपॉन द नेक्स्ट ट्री शेल्ट दाउ हैंग अलाइव टिल फेमाइन क्लिंग दी, मतलब अगर तुम झूठ बोल रहे होगे ना तो मैं तुम्हें हमारे बिरनाम फॉरेस्ट है उसके सबसे पहला पेड़ जो है, मतलब हमारे कैसल से सबसे पहला पेड़ जो है उस पेड़ पर ही तुम्हें टांग दूंगा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने झूठ बोला, जैसे कि मैसेंजर ने कहा था ना, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे जो आप पनिशमेंट देंगे वो मुझे एक्सेप्टेबल होगी। तो यहाँ पे मैकबेथ कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें बिरनाम फॉरेस्ट का जो सबसे पहला, जो सबसे नियरेस्ट ट्री है, उस ट्री पर तुम्हें हैंग कर दूंगा, तुम्हें लटका दूंगा, और तब तक हैंग कर दूंगा जब तक तुम भूखे मर ना जाओ, अंटिल यू नॉट स्टार्व, जब तक तुम मर ना जाओ भूखे, ओके। टिल फेमाइन क्लिंग दी, मतलब जब तक कि फेमाइन, फेमाइन का मतलब है जो भूखमरी है, उससे तुम मारे ना जाओ, तब तक मैं तुम्हें वहीं लटकाए रहूँगा अगर तुमने झूठ बोला, ओके। इफ दाई स्पीच बी सूथ आई कैन नॉट इफ दाउ डोज फॉर मी एज मच, और अगर तुम्हारी जो तुम कह रहे हो, ओके, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच हुआ, तुम्हारी जो स्पीच है वो सच हुई, तो मुझे नहीं, मतलब आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो सेम मैंने तुम्हारे लिए कहा है ना, वो सेम मैं अपने लिए कर लूँगा। मतलब कहना चाह रहा है, यहाँ पे समझो ध्यान से,
मैकबेथ कह रहा है कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जो ये पेड़ है, जो सबसे पहला पेड़ है, इस पेड़ में टांग दूंगा, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं खुद इस पेड़ पर टांग जाऊंगा। मतलब जो सज़ा मैंने तुम्हारे लिए सुनाई है वही सेम सज़ा मैं अपने लिए दूंगा अगर तुम सच बोल रहे हो तो। अगर तुमने सच बोला, अगर वियतनाम ट्रीज सच में आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं डनसिनेन पर, तो मैं अपने आप को ही फांसी लगा दूंगा, अपने आप को ही हैंग कर दूंगा इस पेड़ पर, ठीक है। ओके, मैकबेथ कहता है दैट आई पुल इन रेजोल्यूशन एंड बिगिन टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द फेंट दैट लाइज लाइक ट्रुथ। मतलब आई पुल इन रेजोल्यूशन, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो भी जो विचेस थी, ओके, विचेस थी, आई पुल इन रेजोल्यूशन एंड बिगिन टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द फेंट। मतलब कहना चाह रहे हैं मैं बहुत वीक होता जा रहा हूँ, मतलब मैं दिन पे दिन बहुत वीक होता जा रहा हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, ओके, और मुझे लगता है जो विचेस हैं, ओके, जो विचेस हैं, जो मुझे लग रहा था कि विचेस झूठ बोल लेंगे, क्योंकि विचेस तो जब जो एपरिशन थी, यहाँ पे विचेस का मतलब एपरिशन थी, ठीक है, जब एपरिशन ने तीन वार्निंग्स बताई थी, तीनों मैकबेथ को बहुत वो लग रही थी कि अरे ये झूठी है, इज़न्ट इट। तो अब मैकबेथ क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं जो हूँ दिन पे दिन बहुत वीक होता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो एपरिशंस की तीन वार्निंग्स जो थी वो अब सच हैं, जो मुझे झूठी लग रही थी पहले पर शायद वो अब सच हैं, क्योंकि जो एपरिशन कह रहे थे वही हो रहा है, इज़न्ट इट, बिल्कुल मुझे लग रही है वो चीज़ें सच हैं। Fear not till Brennan would do come to Dunsinane and now a boat comes towards Dunsinane। मतलब मैंने कहा था कि डरो मत, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी यही कहते कहते निकल गई कि डरो मत मैकबेथ, जब तक तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, जब तक डनसिनेन पर ब्रैंडम बुट्स नहीं आ जाए, जब तक डनसिनेन पर ब्रैंडम बुट्स नहीं आ जाए, पर देखो अब डनसिनेन पर ब्रैंडम बुट्स आ चुकी हैं, देखो ये ब्रैंडम बुट्स चल रही हैं डनसिनेन पर, ठीक है, डनसिनेन पर ये ब्रैंडम की जो पेड़ हैं ये चल रही हैं, ओके। देन आर्म आर्म एंड आउट, कहना चाह रहा है कि आर्म आर्म एंड आउट, मतलब अपना आर्मर पहनो, अपना कवच पहनो और चलो लड़ने। मतलब अब तुम्हारे पास कोई भी लाइक सोल्यूशन नहीं है सिवाय लड़ने के। आर्म आर्म एंड आउट, मतलब गो वियर योर आर्मर एंड गो फॉर फाइट, चलो लड़ने के लिए, इज़न्ट इट। देन ही सेड If this witch he evoked Dutch appear, there's no flying, hence not terrain here. Now Macbeth जो है वो कहता है If this witch he evokes does appear, there's not flying, hence not terrain here. मतलब कहना चाह रहा है कि अगर जो सोल्जर है वो सच कह रहा है, उसकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो मैं पूरी मतलब बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ उधर से और ना ही मैं अंदर बैठ सकता हूँ। बाहर जाऊँगा तो बाहर के जो सोल्जर्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अंदर बैठा रहूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, इज़न्ट इट। तो अब ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ और ना ही मैं अंदर घर मतलब इस महल में रह सकता हूँ, ओके, अब मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। टेराइंग का मतलब है इधर वेट, ओके, ना ही मैं इधर अंदर वेट कर सकता हूँ, ओके, और ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ। आई गेन टू बी अवेयरी ऑफ द सन, मतलब मुझे मतलब अब मुझे मेरी लाइफ की जो है चिंता होने लगी। आई गेन का मतलब है आई बिगिन टू अवेयरी ऑफ द सन, मतलब अब मुझे अपनी लाइफ की चिंता मतलब सताने लगी, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो यहीं तक थी, अब मेरा जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली है, isn't it? Then he said, and wish the estate of the world were now undone. मतलब कहना चाह रहे हैं and I wish जो ये and wish the estate of the world were now undone. मतलब अब मुझे लगता है, मुझे ये लग रहा है कि जो ये मेरा महल था, ओके, डनसिनेन का पूरा महल था, अब ये पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है। मतलब ये जो मैंने क्रिएट किया था, ओके, अपने वर्ल्ड को, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपने स्टेट को जो क्रिएट किया था मैंने, अपने शासन को रखा था, मैं किंग बना था, इज़न्ट इट,
अब ये जो किंगशिप है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी डिस्ट्रॉय होने वाली हैं, सारी चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं। ओके, अब मेरा अंत जो है वो पास आ चुका है। एंड देन रिंग द अलार्म बेल, ब्लो विंड, कम ब्रैक, एट लीस्ट वील डाई विद हार्नेस ऑन आर बैक। नाउ मैकबेथ जो है वो क्या कहता है कि ब्लैक द अलार्म रिंग, मतलब अलार्म को बजने दो, हवा को चलने दो। कहना चाह रहा है कि चाहे अलार्म बजने दो और हवाओं को चलने दो, डिस्ट्रक्शन आओ। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है फैक्ट कि अब मेरा अंत जो है वो उनको पास आ चुका है। ओके, तो अब वो बुला रहा है, खुद ही डिस्ट्रक्शन को बुला रहे हैं। दैट कम रैप, रैप का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन पास में आओ, तबाही मेरे पास आओ। और एट लीस्ट वील टाई विद हार्नेस ऑन आर बैक, मतलब एट लीस्ट, मतलब कहना चाह रहे हैं कि एट लीस्ट मैं लड़ते लड़ते तो मर चुकूँ, मर सकूँगा। ऐसा तो नहीं है लोग ये कहें कि यार उसने मरते समय ही हाथ मतलब उठा दिए थे। कहना चाह रहे हैं कि मैं मरूँगा, मुझे पता है मेरी मौत सर्टेन है, पर मैं मरूँगा तो लड़ते लड़ते ही मरूँगा। ओके, एट लीस्ट वील टाई विद हार्नेस ऑन आर बैक, मतलब मैं अपने बैक पर आर्मर को रख कर ही लड़ूंगा, इज़न्ट इट। और यहाँ पर मैकबेथ की जो स्पीच है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके साथ आपका जो सीन है वो भी ख़त्म हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड वेट, and one more speech is very important, that is of this one. Yeah, this speech is very important. So please, these two speeches are very important of Macbeth, so please remember these two speeches. Okay, so that's it guys, thank you everyone. आई होप आपको ये जो सीन है एक्ट फाइव सीन फाइव का समझ आया होगा। इसमें हमने लेडी मैकबेथ को मरते देखा है, मतलब लेडी मैकबेथ कोर्स मर चुकी है, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं बताया गया है कि कैसे मरी, कैसे क्या हुआ, बट हाँ सी डाई। और अगर आपको लिखने को आए कैसे मरी तो आप सुसाइड लिख दीजिए, ठीक है, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। सो दैट्स इट गाइस, आगे हम देखेंगे आगे वाले फोर्थकमिंग सीन्स में किस तरीके से नाउ लाइक मेलकॉम है ये सारे लोग लड़ते हैं, ओके, मैकबेथ से, और कैसे मैकबेथ मारा जाता है। ओके, सो आगे का जो सीन है एक्ट फाइव सीन सिक्स, अब देखो एक्ट फाइव सीन सिक्स सेवन एट, ये तीनों सीन्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक्ट फाइव सीन नाइन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स इट गाइस, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस। अगर आपको ये सीन समझ आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल, बाय गाइस।